हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कलर ओवरले क्या होता है। तो कलर ओवरले हम फोटोशॉप में दे सकते हैं, तो यह कहाँ से मिल जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो कलर ओवरले यहाँ पर लेयर में लेयर स्टाइल के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या होता है कि कलर ओवरले मतलब कोई भी चीज़ जिसका कलर चेंज हो जाएंगे, यानी कि एक ओवरले कलर आ जाएंगे जो आप देना चाहते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आप कलर ओवरले दे सकते हो, जैसे कि हम यहाँ से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप है इसका जो कलर है वो हम कलर ओवरले देकर चेंज कर सकते हैं। कि जैसे कि ये जो कलर है, ये शेप का कलर तो मैं शेप के अंदर ही चेंज कर सकती हूँ, पर आप अगर चाहो तो कोई भी कलर ओवरले इसमें दे सकते हो। कि जैसे कि ये इफेक्ट्स में जाकर मैंने कलर ओवरले क्लिक किया तो इसके अंदर हमको मिल जाएंगे ये जो स्टाइल है, यानी कि जो ब्लेंड मोड है, इसका जो कलर ओवरले यानी कि जो कलर आप देना चाहती हो, इसका जो ओपोसिटी लेवल है, वो सब कुछ हमको मिल जाएंगे। तो ये जो कलर ओवरले मैंने दे दिया, इसका एक कलर दे दिया, इसका ओपोसिटी लेवल अगर चाहो तो ऐसे कम कर सकते हो, ठीक है, कम कर सकते हो। तो देखिए इसका जो ओपेसिटी लेवल मैंने कम कर दिया, तो ये जो रेड कलर का था इसके अंदर ये ओपेसिटी कम होता जा रहा है, यानी कि ये जो सी ग्रीन कलर रेड कलर के ऊपर ओपेसिटी कम करके कुछ ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इसका अगर हम कलर चेंज करेंगे तो ये जो सर्कल मैंने ले लिया, ये जो एलिप्स, तो इसका कलर अगर हम वाइट कर देंगे तो तब आपको ये जो ओपेसिटी ऐसे दिखेंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। तो वो रेड कलर का सर्कल था इसलिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे हमको ये ट्रांसपेरेंट दिख जाएंगे। तो ऐसे करके हम ओपेसिटी लेवल कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा एक शेप के अंदर। तो आप कोई भी वेक्टर के वेक्टर चीज़ के अंदर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कुछ शेप क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक शेप है इसके अंदर भी हम दे सकते हैं कलर ओवरले, ठीक है। तो ऐसे हम कलर ओवरले दे सकते हैं। तो कोई भी आइकॉन भी हम कलर ओवरले दे सकते हैं, जैसे कि ये एक आइकॉन है, इस आइकॉन में भी हम अगर चाहे तो कलर ओवरले दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई दूसरा कलर हम इसमें दे सकते हैं ऐसे। कोई टेक्स्ट के अंदर भी हम कलर ओवरले दे सकते हैं, कि जैसे कि ये एक टेक्स्ट मैंने लिख लिया, एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट हो तो इसको भी हम कलर ओवरले दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर तो हम चेंज कर ही सकते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है। टेक्स्ट कलर में जाकर टेक्स्ट कलर तो चेंज कर सकते हैं। तो फिर भी हम अगर चाहते हैं कि कलर ओवरले देना चाहते हैं तो इसमें जाकर हम कलर ओवरले दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर चीज़ हो, जैसे कि कोई वेक्टर टेक्स्ट, या फिर कोई वेक्टर आइकॉन, या फिर कोई वेक्टर शेप, किसी भी चीज़ में हम कलर ओवरले दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तब यूज़ होता है कि जैसे कि ये जो एलिप्स मैंने कर यहाँ पर क्रिएट किया है, तो अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है, कॉन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद क्या होता है, इसका जो कलर वो हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, यानी कि फिल कलर से हम ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेक्टर हो गया, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम तब कलर ओवरले करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं कलर ओवरले। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप अगर चाहो तो किसी वेक्टर में, किसी आइकॉन में, किसी वेक्टर टेक्स्ट में, कोई शेप में हम कलर ओवरले दे सकते हैं, ठीक है। और एक लेयर का कलर ओवरले हम दूसरे लेयर में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट लेयर है,
टेक्स्ट का जो लेयर, ये ब्लू कलर का कलर ओवरले है, और ये एलिप्स जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है तो ये येलो कलर का ओवरले है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट का ब्लू कलर है वो इस एलिप्स में आ जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, फिर से कलर ओवरले में जाकर हम कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये एलिप्स में जाकर कलर ओवरले में जाकर हम क्या करेंगे, ये जो कलर में जाकर हमको कलर पिकर मिल जाएंगे, कलर पिकर से ये टेक्स्ट कलर पिक कर लेंगे, ऐसे करके ओके कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएंगे, ठीक है, इस कलर के कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रोसेस तो हुआ, इससे भी आसान एक प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं। तो फिर से हम पहले की पोजीशन में ले आते हैं, तो चलिए ये येलो एलिप्स और ये ब्लू टेक्स्ट। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो टेक्स्ट लेयर है यानी कि जो ब्लू कलर हम देना चाहते हैं, तो जो कलर आप देना चाहते हो उस लेयर में जाकर हम अगर राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे, और जो लेयर में हम वो कलर देना चाहते हो यानी कि ये जो ब्लू कलर जो हम एलिप्स में देना चाहते हैं, तो उस लेयर में जाकर हम राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल ये ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो चलिए देख लिया आपने कि इसका जो कलर वो सेम चेंज हो गया, तो इसका कलर सेम कॉपी हो गया, पेस्ट करके हमने कर दिया। तो इसके लिए हमें कलर ओवरले में जाकर फिर से कलर पिक करके हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक लेयर का कॉपी दूसरे लेयर में कर सकते हो पेस्ट, ठीक है। तो ये जो यूज़र का आइकॉन है इसमें भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर हम ऐसे पेस्ट लेयर स्टाइल करेंगे तो इसमें भी वो ब्लू कलर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम कोई भी लेयर का कलर ओवरले स्टाइल दूसरे लेयर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कलर ओवरले, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, फोटोशॉप के एक यूज़फुल फीचर है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए यही तक था, फिर आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में।